हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। जी हां, आज हम लेके आए हैं HP Pavilion Plus EW0153TU। जी हां, हमारे काफी व्यूअर्स की डिमांड थी कि आप Pavilion Plus i7 के ऊपर कोई एक वीडियो बनाइए, तो आज हम यही लैपटॉप लेके आए हैं EW0153TU, जो i7 13 जनरेशन में है, 16GB रैम और 1TB SSD के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, कहीं मत जाइएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके हम दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप जो हमें मिला है, ये मिला है HP इंडिया की तरफ से, और जिस डीलर के थ्रू मिला है वो है दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्लेग्राउंड, यानी कि HP वर्ल्ड ओमेन प्लेग्राउंड, यहां से हमें ये लैपटॉप मिला है, जो अनबॉक्सिंग के बाद वापसी HP के पास चला जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है। जैसे कि हमें हर लैपटॉप के बॉक्स पे देखने को मिलता है यूजर मैनुअल, अगर हम देखेंगे आगे तो पावर कोड, प्रीमियम पावर कोड इसमें मिलती है। और जी हाँ, इसमें आता है बड़ा ही लाइट वेट 65 वॉट का पावर एडेप्टर टाइप सी पोर्ट के साथ। जी हाँ, टाइप सी चार्जिंग है इसके अंदर, बहुत ही लाइट वेट है अडेप्टर को देखेंगे तो। अच्छा, लैपटॉप भी बहुत ही लाइट वेट है। जी हाँ, आप ये देखिए, सिल्वर कलर के अंदर ये लैपटॉप है, फुल मेटल बॉडी में, पूरी मेटल की चेजी। अगर आपकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी में ये लैपटॉप HP ने आपको दिया है। देखिए, Pavilion जो सीरीज है HP की, वो प्रीमियम सीरीज है। अगर हम Pavilion Plus की बात करें तो वो और Pavilion Plus आपके Pavilion से और ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं सुपर प्रीमियम की कैटेगरी में आता है ये लैपटॉप। आप स्लीकनेस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप स्लीक है। अगर आप देखिए, अगर बैक पैनल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। नॉर्मली देखिए, बैक में क्या होती है, रबड़ ग्रिप और एक आपका वेंटिलेशन, वही आपको इस लैपटॉप में भी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं एक हाथ से। तो एक हाथ से आपका ये लैपटॉप ओपन हो गया है, लेकिन इसमें एक खासियत और थी, अगर आपने ध्यान दिया हो। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें वॉबलिंग बहुत ही कम है इस लैपटॉप की स्क्रीन में, जिसमें हम जैसे जहाँ पे ओपन ओपन किया तो वहीं पे वो एकदम स्टेबल हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसको बूट अप करते हैं, और इससे पहले आपको हम दिखाते हैं इसके पोर्ट्स, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो लैपटॉप के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला पोर्ट आपको मिलता है वो है USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। उसके साथ में आपको एक मिलता है HDMI आउट 2.1, जिससे आप अपने प्रोजेक्टर या LED TV कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलते हैं दो पोर्ट USB के, USB टाइप सी, लेकिन दोनों ही डिफरेंट हैं। एक है आपका Thunderbolt 4, आपका 40 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ USB पावर डिलीवरी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 है, और दूसरा आपको मिलता है टाइप सी 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो लैपटॉप के राइट साइड में आपको सिर्फ दो ही पोर्ट देखने को मिलते हैं। एक है आपका 3.5mm का ऑडियो जैक हेडफोन और माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए, और एक आपका है USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ आपको मिलता है। दोस्तों, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसमें 13th Gen इंटेल i7-1355U, जी हाँ, 7th i7 है 13 जनरेशन में, जिसकी बेस स्पीड 1.7 GHz है। कोर्स की बात करेंगे तो 10 कोर्स है। दोस्तों, हमेशा मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ, 10 कोर्स में आप कभी भी डाउट में मत आइएगा, 10 कोर्स है, लेकिन परफॉर्मेंस कोर इसके अंदर सिर्फ 2 है और एफिशिएंट कोर है इसमें 8। जी हाँ, सिर्फ इसमें 2 ही परफॉर्मेंस कोर हैं, जो हमारी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट स्पीड है 5 GHz, वो सिर्फ 2 कोर्स के लिए है। बाकी जो 8 कोर्स हैं उनके लिए जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 3.7 GHz। अगर हम लॉजिकल थ्रेड्स की बात करेंगे, लॉजिकल प्रोसेसर की, तो वो है 12। देखिए, ये लॉजिकल प्रोसेस की अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो जैसे कि परफॉर्मेंस कोर 2 है और थ्रेड्स हमेशा डबल होते हैं, 2 और 2 4, और 8 हमारे एफिशिएंट कोर हैं, तो इसलिए हमारे जो लॉजिकल प्रोसेसर है वो 12 है। L3 की कैशे की बात करेंगे तो 12 MB आपको इसमें L3 कैशे मिलती है। देखिए, 16 GB की इसमें मेमोरी है, LPDDR5 इसमें आपको रैम मिलती है, जिसकी स्पीड 5200 MHz है। इसमें आपकी सोल्डर रैम है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। लैपटॉप जब ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये डिस्क की बात, सैमसंग की इसमें SSD लगी हुई है, जेन 4 की 1 TB SSD है। जी हाँ, जिसकी कैपेसिटी आपको 954 GB मिलती है।
कई व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि जी आपने जो हमें दिखाया था उसमें सैमसंग की थी या कियोसिया की थी या डब्ल्यूडी की थी, लेकिन जो हमने लैपटॉप लिया उसमें एसएसडी किसी और मॉडल की है या और किसी कंपनी की। देखिए ये चेंज हो सकती है एसएसडी, ऐसा नहीं है कि अगर आज हम EW0153TU को कर रहे हैं तो इसके सारे मॉडल्स में ही आपको सैमसंग की एसएसडी मिलेगी। मे बी एसएसडी चेंज हो सकती है, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम होगी, रीड राइट जो हमारी स्पीड है वो सेम होगी, जेन 4 होगा उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम होगी। तो ये हमेशा कंफ्यूज आप मत होइएगा, आपको ये लगता है कि हमारे वेंडर ने जिससे आपने लैपटॉप लिया उसने चेंज ना कर दी हो। वाईफाई, वाईफाई देखेंगे तो Wi-Fi 6E है और ब्लूटूथ 5.3 आपको इसमें मिलता है। जीपीयू, जी हाँ, इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है। अगर आप बात करेंगे तो एनवीडिया MX 340, 350, 450 2 GB के इक्विवेलेंट आप इसकी परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल सकती है। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए जो वॉइस आप सुन रहे थे वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी, जिससे आपको इसके माइक की क्लैरिटी भी पता चल जाए। दोस्तों इसकी स्क्रीन की बात करेंगे तो इसमें 14 इंच आपको 2.8K OLED डिस्प्ले आपका मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन अगर हम बात करेंगे तो 2880x1800 का आपका इसका डिस्प्ले मिलेगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो रिफ्रेश रेट की तो 48 to 120 Hz वेरिएबल आपको इसका रिफ्रेश रेट मिलता है। UWVA स्क्रीन है, माइक्रोएज डिस्प्ले आप देखते तो ब्राइट व्यू है, लो ब्लू लाइट। अगर आप निट्स की बात करेंगे तो HDR 400 nits एंड HDR 500 nits। अगर हम इसके रिजोल्यूशन की बात करते हैं sRGB की तो 100% sRGB आपको इसमें मिलता है। इस लैपटॉप में आपको 5 MP का वाइड विजन IR कैमरा मिलता है विद टेम्पल नॉइस रिडक्शन के साथ, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन भी मिलते हैं। कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 14 इंचेस का फुल साइज का बैकलिट कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है सॉफ्ट ग्रे कलर के साथ। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए ये देखते हैं लैपटॉप में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो प्रोसेसर की, यहाँ हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ में आपको दिखाई दे रहा है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन। बोर्ड काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है आप देखेंगे बोर्ड का साइज़ काफ़ी छोटा होता जा रहा है। पहले कभी पूरा मदरबोर्ड 9x12 इंचेस का कभी मदरबोर्ड हुआ करता था, आज की डेट में देखिए मुश्किल से 4-6 इंची का मदरबोर्ड रह गया है। अगर हम रैम की बात करेंगे तो आपको इसमें रैम नहीं दिखाई देगी, इसमें ऑनबोर्ड रैम है, चिप्स में हम जिसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे चिप लगी हुई है जहाँ पे आपकी रैम है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। आप एसएसडी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी एसएसडी लगी हुई है जो हमने देखी थी स्पेसिफिकेशन के टाइम पे 1 TB सैमसंग की Gen 4, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो लेकिन इसको रिमूव करके ही कर पाओगे, अदरवाइज इसमें और कहीं भी हमें कोई भी स्लॉट्स नहीं दिखाई दे रहा जिसपे आप दूसरी एसएसडी लगा सको। यहाँ पे वाईफाई देखने को मिलता है, वाईफाई जैसा कि हमने देखा था 6E और ब्लूटूथ 5.3 हमें देखने को मिला था। बाकी देखिए मेजर पोर्शन पे आपको देखेंगे आप बैटरी, 4 सेल की बैटरी है इसमें, पॉलीमर बैटरी है 4 सेल की 68 वर्क आवर के साथ, और साथ में आपको बी एंड होगा जो ऑडियो है उसमें जो स्पीकर्स लगे हुए हैं आप ये देखिए यहाँ पे 2 आपको स्पीकर्स भी दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP Pavilion Plus EW0153TU लैपटॉप, जिसकी स्पेक्स हमने देखी i7 है 13 जनरेशन में, इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, उसमें 16 GB रैम हमने रैम देखी और 1 TB SSD। देखिए स्क्रीन भी हमने जैसे कि देखा ऑलिड स्क्रीन है, और हमने ये भी देखा कि इस लैपटॉप के अंदर आपकी रैम अपग्रेड नहीं हो सकती, जैसे कि अभी हमने जब लैपटॉप ओपन किया था आपने देखा। इसकी प्राइसेस की बात कर लेते हैं, प्राइसेस HP ने रखी है इसकी 95,000, जी हाँ 95,000 का मार्केट में इजिली अवेलेबल है, डिपेंड करेगा ये आपको 85,000 से 95,000 के बीच में मार्केट में मिल जाएगा, डिपेंड करेगा जब आपकी कोई स्कीम चल रही होगी तो प्राइस डाउन हो जाएगा, तो ये हमेशा वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि हमने 95 का है तो आपको मार्केट में 95 ही मिलेगा, ये प्राइस आपका चेंज होता रहता है। देखिए अगर आप इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर लैपटॉप की बात करेंगे तो देखिए i7 आपका वैसे भी 80,000 से ऊपर ही रहता है। अब इसमें प्लस क्या है, फीचर्स क्या प्लस है, देखिए इसकी स्क्रीन ऑलिड स्क्रीन आपको मिलती है जो IMAX एनहेंस टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है, ये एक इसमें मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा।
5 मेगापिक्सल का आईआर कैमरा है वो भी डिफरेंट है, मतलब आज की डेट में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बेसिक देखेंगे जो 80,000 के आसपास आता है उसमें हमें मोस्टली 720 या 1080p का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 5 मेगापिक्सल आईआर कैमरा मिलता है, आपको LPDDR5 मिलती है और SSD आपको 1TB मिलती है और फुल मेटल चेजी मिलती है। और अगर आप स्क्रीन भी देखेंगे तो इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है जो इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाता है। देखिए इसके अगर कंपटीशन में भी जाएंगे तो बाकी कंपनीज के अंदर भी अगर एग्जैक्ट आप कॉन्फ़िगरेशन लेके जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर प्राइस में बात करेंगे तो ये प्राइस काफ़ी बेटर आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको प्राइस बता दिया है जो मार्केट में इसका प्राइस है 85,000 से 95,000 के आसपास ये आपको मार्केट में मिल जाएगा अगर आपने लैपटॉप ये लेना है। दिल्ली के अंदर हमने कुछ HP वर्ल्ड्स नीचे नंबर मेंशन कर रखे हैं और आप जहां से हमें ये लैपटॉप मिला है दिल्ली के अंदर करोल बाग ओमेन प्लेग्राउंड पे, आप यहां पे भी एक बार प्राइस चेक कर सकते हैं। HP इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी देता है। हाँ, अगर आपने अपग्रेड कराना चाहे तो आप अपग्रेड करा सकते हैं, टाइम टू टाइम ऑफर्स आपको मिलती रहती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा अप्रैल और मई के अंदर आपको बैक टू स्कूल ऑफर्स आते हैं HP के, तो आप उस टाइम पे भी देखेंगे तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी थोड़ा सा चीपेस्ट रेट पे मिल जाएगी। अगर आप एक्सीडेंटल डैमेज भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं हमेशा यही कहूँगा अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सीडेंटल वारंटी कोई भी लेनी है तो हमेशा HP की ही लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी मत लीजिएगा, थर्ड पार्टी में आपको वारंटी मिलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी नए लैपटॉप्स आएँ उसकी जल्द से जल्द वीडियो आपके पास लेके आएँ और हम अपने हर लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि लैपटॉप कहाँ तक अपग्रेड हो सकता है और आप क्या क्या उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।